80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रेटिंग भी है हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ आबादी, इतनी 80 करोड़ आबादी अगर राशन पे निर्भर है, तो मुझे लगता है मत करिए शादी आदि। आप बोल रहे मैं सुन रहा था भाई साहब, आपने बोल लिया अपनी बात, बार बार कहने नहीं बोला मैं, अच्छा चलिए खत्म कर दिया, बोलिए। सुनिए भाई साहब, आप सुनिए, प्रधानमंत्री के आने से पहले जो बहुत बातें होती थी मनमोहन सिंह जी की, फ्रेजाइल फाइव सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से एक था भारत, मिला भाई साहब, आपको मिला, मुझे तो नहीं मिला भाई साहब, अपने देश के बारे में रोजगार की बात करते हैं तो मतलब देश के प्रधानमंत्री ना, मुझे आपको मुझे तो नहीं मिला के सूट के परे ही नहीं पहुंच पाए। देखिए मुझे लगता है कि जब आप किसी नेता के बड़े उसे जो सुरक्षा की कार है उस पर चर्चा करने लगते हैं, जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास बनने जा रहा है, चर्चा कह रही हूँ आपको, ईद बिल्कुल आपको पठानी सूट मिलेगा, पक्का मिलेगा, रुक तो जाइए, सुन लीजिए पहले हर्षवर्धन जी को, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके लिए सूट इतना महत्वपूर्ण हो गया है तो मैं जरूर सिलवा के भिजवा दूंगी आपको एक पठानी सूट। 20 लाख रुपए के सूट की कीमत की कोई वैल्यू नहीं है, क्या बात है रूबिका जी, बताइए हर्षवर्धन जी क्या बात है। नहीं नहीं देखिए उसपे मुझे लगता है कि बहुत स्पष्टता हो चुकी है, वो सूट कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं से नहीं बनवाया था, और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि वो कोई, जिन सूट्स की बात होती है कई बार तो मुझे लगता है कि उनके सूट पहनने के चक्कर में राहुल गांधी टी शर्ट में आ गए कि सूट बूट की सरकार उनके ऊपर चिपक जाता है, क्योंकि जिस परिवार में लगातार सूट की ही सरकार रही हो, सूट बूट की सरकार रही हो, का सूट था 8000 के जहाज में चलते हैं, घर उनका प्रधानमंत्री का इतना महंगा बन रहा है, ये सरकारें इतने हल्के स्तर पर जाकर टिप्पणी की जिस तरह से नरेंद्र के लिए कह रहे थे, लेकिन ये मुद्दे पर टिक कौन पाया असल में, मुझे तो ना बीजेपी टिकते हुए दिखी है और ना विपक्ष को, 4 जून को पता लगेगा कहां पर, न्यूज 18 इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।